कहते हैं कि खेलने की कोई उम्र नहीं होती और इस बात को साकार किया है, पूरा किया है आईपीएल के 13वें सीजन के लिए जो चुने गए हैं प्रवीण तांबे। इस खिलाड़ी ने 48 साल की उम्र में भी क्रिकेट को नहीं छोड़ा। आपको बता दें कि आईपीएल के 13वें सीजन के लिए गुरुवार को कोलकाता में खिलाड़ियों की नीलामी हुई। नीलामी में ऑक्शन में शामिल कुल 338 खिलाड़ियों में से 62 खिलाड़ी बिक गए, जिनमें से 29 विदेशी हैं। जी हाँ, और नीलामी में हिस्सा लेने वाले सबसे उम्रदराज और सबसे युवा खिलाड़ी की बात करें तो सबसे ज्यादा उम्र वाले क्रिकेटर तो खरीदार मिल ही गया, लेकिन सबसे युवा खिलाड़ी भी अनसोल्ड रह गया। आपको बता दें कि ऑक्शन में भारत के प्रवीण तांबे सबसे ज्यादा उम्र के खिलाड़ी के तौर पर शामिल थे और 48 साल के प्रवीण तांबे को कोलकाता नाइट राइडर्स यानी कि शाहरुख खान की टीम ने उनके बेस प्राइस यानी 20 लाख रुपए में प्रवीण तांबे को खरीद लिया है। आपको बता दें कि प्रवीण तांबे ने अब तक कोई वनडे मैचेस नहीं खेले, लेकिन T20 उन्होंने तकरीबन 60 प्लस T20 मैचेस खेले हैं, जिनमें 68 विकेट्स प्रवीण तांबे के नाम है। और प्रवीण तांबे 48 साल के हैं और 42 साल की उम्र में उन्होंने क्रिकेट में डेब्यू किया, सबसे ज्यादा उम्र दराज खिलाड़ी, लेकिन फिर भी उनका बेस प्राइस 20 लाख रुपए था और इस खिलाड़ी पर दाव लगाया कोलकाता नाइट राइडर्स ने और इस खिलाड़ी को यानी कि 38 साल के प्रवीण तांबे को जो कि मुंबई के रहने वाले हैं उन्हें 20 लाख रुपए में कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए खरीद लिया। नेक्स्ट टाइम स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।